is something you've done wrong, and you have to show the cause why, reason why you've done it. और उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था One allegation brought against them was कि उसमें अंग्रेजी भाषा में था लिखा था कि एग्जिबिटेड इनसबॉर्डिनेशन। exhibited insubordination, यानी उन्होंने अपने अपने सीनियर्स के अधीन नहीं रहे. वो अपने जो अधिकारी गण थे, उच्च अधिकारी गण, उनके अधीन नहीं रहे। They were not subordinate to the seniors. उन्होंने अधीनता का उल्टा क्या होता है, स्वाधीनता, मनमानी प्रदर्शित करी। Instead of being in submission, they showed they acted with their own freedom. उनकी नहीं मानी, अपनी मनमानी करी। They did not listen to them. They did whatever their heart desired. हम देखते हैं कि एक दफ्तर कैसे काम करता है। हाँ, How does an office work? एक दफ्तर में एक सीनियर ऑफिसर होता है, एक सीनियर उच्च अधिकारी होता है, उसके नीचे चार पांच उसके सहयोगी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, There is a senior officer. There are about four, five subordinates working under him. और उस ऑफिस में जो ऑफिसर होता है उसको एक जिम्मेदारी दी गई होती है कि तुम्हें ये काम करना है। And the officer has been given a responsibility to do a certain thing. और उसके मातहत जो चार पांच उसके जो सहयोगी होते हैं वो उनसे करवाता है। He gets the job done with the through the subordinates that he has. और जो उसके मातहत जो अधिक जो सहयोगी होते हैं उसके, वो उसके अधीन, उनको वो काम करने के लिए उनके अधीन रहना पड़ता है। And those who are subordinates, they have to work in submission to the boss, to the officer. और हर रोज रहना पड़ता है, हर रोज वो उच्च जो अधिकारी है वो उनको निर्देश देगा, हर घंटे में देगा। 50 फाइल हैं तो 50ों फाइलों पर वो निर्देश देगा उन्हें। Every day, every hour, he will give them instructions. There are 50 files. He will give them instruction about those files. 50 दिन में 50ों बार उनको निर्देश देगा और वो उनके निर्देश सुन के काम करेंगे वैसा। Many, many times a day he would give them orders and they will obey his instruction हाँ, लिखित में आदेश देगा और मौखिक आदेश देगा। verbally and from word of mouth he will give them orders. और ये जो उसके सहयोगी हैं वो उसकी बात मानने के बजाय अपनी मनमानी करने लगे तो वो ऑफिस का काम नहीं होगा। But if these subordinates start doing what their heart desires, office work will come to हाँ, तो इस बात से एकदम से मुझे यहाँ पे आंखें खुली कि ये लोग जो इन बातों में फंस जाते हैं उनके अंदर भी यही बात होती है। This thing came here to me that these people who get trapped in these things, this is the same thing that happens to them. और आज जिन बातों का हम सामना करते हैं, हमारे जो जवान पीढ़ी जो और बाकी सभी जिन बातों का सामना करते हैं उनमें हम क्यों फंस जाते हैं? Why do we get trapped in the things that our young people or even we get when we are attacked with these forces? हम प्रभु यीशु मसीह के सबॉर्डिनेट नहीं रहते, उसके अधीन नहीं रहते। We do not remain in submission, in subordination to our Lord Jesus Christ. हम इन सबॉर्डिनेट एग्जिबिट करते हैं, वो हम We अपनी स्वाधीनता, मनमानी प्रदर्शित करते हैं। start showing our own liberty, freedom, and insubordination. वो तो मूल बातों में वो हमें निर्देश देता है, शिक्षाओं में निर्देश देता है, ना केवल मूल बातों में बल्कि वो हमारे दिन की हर छोटी और बड़ी बातों में वो हमें निर्देश देता है, ऐसे करो, वैसे करो, ये खरीदो, वो मत खरीदो। The Lord gives us instructions throughout the day. Do this and do that. Buy this, don't buy that. Holy Spirit throughout the day keeps instructing us. हाँ, यहाँ खड़े मत हो, ये रिक्शा पकड़ो, इससे जाओ, ये करो, ये खरीद, ये बहुत पूरे दिन भर निर्देश देता है हमें। Don't stand here. Catch this rickshaw. Do this, do that. Throughout the day, he keeps instructing us. और हम वो हमारा सिर है, सिर He is our head. वो हमारा उच्च अधिकार अधिकारी Is है। our senior officer. वो हमारा उच्च मतलब कि वो हमारा सिर है और हमें उसके अधीन रहना है। He is our head and we have to be in submission to him. और जब हम उसके अधीन नहीं रहते तो बहुत संभव है हम इधर उधर की बातों में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि मनुष्य की ओर से है उनमें फंसने लगते हैं, And बेकार truly, की बातों में। when we don't remain subordinate to the Lord, we start getting trapped by the things of the world around us, which are useless things. हम एक बात देखते हैं कि कुछ लोग थे प्रेरितों काम में जो प्रभु के अधीन थे।
We see in Acts of the Apostles some people who were in submission to the Lord. ग्यारहवें अध्याय में हम देखते हैं कि वो उनके अंदर ये प्रेजुडिस था कि अन्य जाति का उद्धार नहीं हो सकता। For the prejudice read in Acts chapter 11, some people had that un-Gentiles, non-Jews cannot be saved. और वो इसलिए उनको सुसमाचार भी नहीं सुनाते थे। So they were not giving them the gospel. और जब पत्रस कुरनेलियस में घर घर पे गया तो वो उसके ऊपर चढ़ाई कि तू तूने ऐसा क्यों किया और वहां क्यों गया, ये उसको उसके विरोध में खड़े हो गए। When Peter had gone to Cornelius's house, they all attacked him, said, "Why did you go to a non-Jew, to a Gentile's house?" और लेकिन जब पत्रस ने परमेश्वर की बातें सुनाई, But when Peter told them about the things of God, और तब जब उनकी आंखें खुली, and their eyes were opened. वहां पे लिखा है जब उन्होंने ये बातें सुनी, प्रेरितों काम 11:18 में जब उन्होंने ये सब सुना, It is written Acts 11:18, when they heard all these things, दे क्वाइटेड डाउन, वो शांत हो गए, they quieted down. वो परमेश्वर की अधीनता में आ गए। They came in submission to the Lord. इस बात की कि उनके समझ में नहीं आ रहा था, वो उनके अंदर जो प्रेजुडिस भरा हुआ था उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा था, लेकिन उसकी अधीनता में आ गए, मान ली वो बात, Not शांत हो गए। able to understand, they came in, but once they understood, they came in subjection. वो प्रभु के जो सिर था उनकी अधीनता में दिखता है ये। We see clearly the submission to the head that is Christ. और लिखा है कि और परमेश्वर की महिमा करी, क्या And they glorified the Lord, as it is written. कहकर महिमा करी। What did they glorify? What did they say? तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी रिपेंटेंस, पश्चाताप दिया है कि वो भी जीवन पाएं। The Lord has given repentance to the Gentiles also that they may get eternal life. परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी ये अनंत काल का जीवन दिया है। God has also given eternal life to the Gentiles. कुछ समय तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन For some time they were not willing to accept this. जब परमेश्वर ने दिखाया, और क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थे और परमेश्वर ने ये बात दिखाई, वो एकदम से मान गए। But because this was from the Lord, they heard it from the Lord, they came in complete subjection. क्यों? वो परमेश्वर के अधीन थे। Why? Because they were submitted to the Lord. Brother, 1 minute. तो प्रभु हमारी भी सहायता करे कि हम भी उस शिरोमणि के अधीन रहे, Lord help us also that we may be in submission to the Lord. अपने जीवन की बड़ी बातों में भी और छोटी बात रोजमर्रा Even की बातों में In भी the big and the small things of life, we may be in submission. प्रभु हमारी सहायता करें। May the Lord help us. Ashley bhai. आदमी बहुत मतलबी है, Man is very selfish. वो हाथ मिलाने से पहले कैलकुलेशन कर लेता। Before he shakes hands, he does calculations. हमारा पूरी सोच जो है वो अधीन है एक स्वार्थ के, एक मतलब के अधीन। All our thinking is in submission to some selfish motives. बहुत मतलबी आदमी है। We are very selfish. तो हम अब ये शरीर हमेशा अपने स्वार्थ के अधीन जीता। And this flesh always remains in submission to its own selfish motives. हाँ, कुछ लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के अधीन रहते हैं, दुष्ट आत्माओं के अधीन। There are some people who are in submission to evil spirits. वो दिखते नहीं है वैसे, They don't seem like that. मगर उनका उपयोग शैतान करता है। But Satan uses them. मैंने देखा है कई लोगों को, वो इतने, मैं सोचता हूँ कि मैं कोई सोचने की सही बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि किस किसके अधीन है। I have seen people and I wonder what submission they are under, what is their mind subjected to. हाँ, या फिर हम संसार के अधीन हूँ, Or we are in submission to the world around us. किसी व्यक्ति विशेष के, किसी उसके हम अधीनता में आ जाए। A particular person or something we will be in submission to. तो संसार के अधीन या शैतान के अधीन,
ये शरीर के अधीन जीते हैं। सबमिटेड टू द वर्ल्ड, सबमिटेड टू डेविल, सबमिटेड टू टू आवर सेल्फिश डिजायर्स. और हमें अपनी तलाशी बार बार करते रहने चाहिए। एंड वी नॉट टू कीप चिजलिंग एंड करेक्टिंग आवर सेल्व रिपीटेडली. तलाशी, हाँ, कीप सर्चिंग आवर सेल्व रिपीट लगातार करनी पड़ती। कॉन्स्टेंटली. ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? Why am I doing this? दिखावटी है, बनावटी है, सजावटी है। हाँ, Outward show, just a drama, outward acting. तो आप निश्चित जानिए ये गिरावटी काम है सब। Please repeat that. भाई जी, जो काम हम बहुत सारे काम दिखावटी होते हैं, सजावटी होते हैं या बनावटी होते हैं। हाँ, हाँ, और ये सब जो काम होते हैं इनसे ही गिरावट आती है हमारे जीवन में। भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक कट रही है भाई आपकी आवाज। मिनट, एक मिनट भाई, मेरे मेरे ऑडियो पर एक मिनट. आज प्लीज बोलिए भाई. हाँ, तो हम हाँ जी, बहुत सारे काम जो अपने जीवन में वो इसलिए करते हैं कि लोग देखें, हमें पसंद करें। सजावटी काम है, कुछ दिखाएं अपने मतलब के लिए, दिखावटी काम है। तो बिजी. हम मैनी वी डू मैनी थिंग्स आउटवर्ड शो टू शो अदर पीपल देयर ओनली आउटवर्ड डेकोरेशंस. कई बार सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए शब्द बोलते हैं। समटाइम्स वी स्पीक वर्ड्स ओनली टू प्लीज अदर पीपल. तो वो हम किसके अधीन जा रहे हैं? Whose submission are we in? हाँ, वो हम अपने स्वार्थ या शरीर के अधीन है। हाँ, We are in submission to our own selfish motives. तो इसलिए सबसे बड़ा अधीनता है परमेश्वर की अधीन। So the greatest subjection is subjection to the Lord. मैं इस मीटिंग में आना, मुझे एक प्रार्थना की जरूर करनी है। यरमिया 1:48 निर्गमन 4:12 पूरा कर मेरे भाइयों को अद्भुत वचन दे। बिना इसके मैं आ नहीं सकता इस सभा में। When I have to come to the meeting, I ought to claim Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6, these promises. Without them, that the Lord would give birth to my brothers. Without this, I cannot come. और ये वरदान प्रभु देता है अपने लोगों को कि वो प्रभु के अधीन होकर जिए। And this gift the Lord gives to His people from above, that they be in subjection to the Lord. हाँ, वो अधीनता में है प्रभु। They are in submission to the Lord. वो मुंह उठा के नहीं चलते, सारे मुंह उठा They के काम। don't walk as their heart desires. वो सभा में भी है। आप ये सभा आपके लिए वरदान बन जाएगी, बहुत बड़ी आशीष बन जाएगी अगर आप प्रभु के अधीन होकर आएंगे कि प्रभु मुझसे बोल और बातें कर, मेरे भाइयों को वचन दे। आप जित मैं एक और बात कहता हूं, जितना आप देते हैं है तो उतना आपके पास आने लगता है। The meeting will become a blessing for you. Another thing that I will say is, the more you give, the more the Lord will, the more will come back to you. हाँ, जितना आप प्रार्थना देंगे उतना आप पर आशीष आने लगेगी। The more you will give prayer, the more blessing will flow in your life. हाँ, तो ये तो पाप है एक तरह, ऐसे मुंह उठा के आ गए भाई। अरे, उस दास के लिए वो मट्टी है जो वचन देगा, कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं, प्रभु के अधीन है, तो उसके लिए प्रार्थना करके आएंगे और अपने लिए प्रार्थना करके आएंगे कि मुझे प्रभु वरदान दे। It is a वरदान तो sin. दे, तब रसम है और It कुछ is नहीं। a sin if you don't pray for the brother sharing the word of God. He's only dust and pray for yourself, Lord, speak to me. Otherwise, this is only a ritual. कितनी देर लगेगी मुझे आप ये प्रार्थना करनी? How much time will it take me to pray this prayer? हाँ, मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं Hardly 30 seconds. और ये 30 सेकंड सब कुछ बदलते हैं। This 30 seconds change everything. ये परमेश्वर की अधीनता में रहना है, This is in submission to the Lord. इसे आदत मत बनाइए। Don't make it a habit. ये आप आदत के अधीन आ गए। Then you become in submission to a habit. हाँ, ये अधीनता आदत की अधीनता, परमेश्वर Then you are in submission to a habit, की अधीनता नहीं है। not the Lord's. मैं आने से पहले
भाई के लिए, अपने लिए, और प्रार्थना करो प्रभु, और मुझसे बोलो, बातें करो प्रभु। बिफोर ज्वाइनिंग द मीटिंग आई प्रे फॉर द ब्रदर हू शेयरिंग एंड फॉर माई सेल्फ लॉर्ड स्पीक टू मी। हाँ, मैं अक्सर मेरे भाइयों को ला प्रभु, पूरब से लॉर्ड ला ब्रिंग माई ब्रदर्स टू द मीटिंग। प्रभु। ये मैं परमेश्वर की अधीनता में, ये वरदान आप लोगों को मिला है दिस इज अ गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू। प्रभु। मैं भी आज तक जानता हूं कि अगर मैं आज तक हूं तो आप लोगों के प्रार्थना और प्यार की वजह से हूं, Even this I know that if I am standing today, it is only because of your prayers and your love. ये मैं एहसान कभी उतार नहीं सकता, कभी I भी नहीं, can never repay this loan on me. क्योंकि मुझे आप लोगों ने सबसे बड़ी चीज प्रार्थना और उससे भी बड़ी चीज मुझे हिम्मत आपने दी है। Because you have not only given me your prayers, but you've given me courage. वरना तो अपने ही लोग अब निराश करने में लगे रहते। Otherwise, our own people they start discouraging us. हाँ, तो प्रियो ये बात जानो कि परमेश्वर के अधीन लोग हमेशा अपने आप को तलाशते रहते हैं। Dear ones, remember this: people who are in subjection to the Lord, they keep on searching themselves. हाँ, मैं ये काम किस लिए कर रहा हूं, ये बात मेरे लिए, मेरे में किस लिए है, वो हमेशा तलाश रखते हैं। Why am I doing this? Why is it necessary in my life? They keep on seeking and searching. तो आप इस मीटिंग में आइए, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को लाइए, बहुत बढ़िया बात है, मगर एक नए तरीके से आइए, प्रार्थना के साथ आइए, परमेश्वर की अधीनता से आइए, तो देखिए सभाएं आपके लिए और मेरे लिए बदलती चली। Come to these meetings, bring others also, but also come with preparation, and these meetings will start changing. मेरा टाइम खत्म हो गया, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, My time is up, but I like to say one thing to you. मैं शुरू करता हूँ प्रभु, आज मैं पाप मत, दोपहर When I wake up in the morning, I say, Lord, that I may not sin against you. तक कहता प्रभु आज तक, अब तक बचाया था, Night till आगे after, I बढ़े। say, thank you, Lord, for saving me till now. और प्रभु तीसरे पैर के प्रभु आप तक बचाया, इतने बजते बचाया आपका, And up till now, Lord, you've saved me. You've saved me. रात तक देखता हूँ प्रभु आपने बचाया, धन्यवाद। See till the night, Lord, you saved me till now. और सोते हुए कहता हूँ प्रभु आपका धन्यवाद। And even when I am about to sleep, I say, Lord, I thank मुझे मालूम है मुझे अपने पे बिल्कुल भरोसा नहीं, गिरगिटान you. I know I have no confidence in myself. इतने रंग नहीं बदलता जितने आदमी बदलते। A chameleon doesn't change its colors as much as man does. मीटिंग में कुछ, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, और रात को कुछ। Something else before, after the meeting, at night, something completely different. अगर प्रभु की अधीनता नहीं रही तो हम बैग कर कहीं दूर निकल जाए। If we are not subject to the Lord, we will go far away from the Lord. आइए प्रार्थना। Come, let us pray. प्रभु, मैं आपके लहू के द्वारा आपके सामने आता हूँ और मैं मान लेता हूँ बहुत जगह पे मैं प्रभु आपके अधीन नहीं रहता। मैं अपनी मन मर्जी करता हूँ। मैं प्रभु मीटिंग में आने से पहले कितनी बार प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु आप मुझसे बात करें, और उस भाई के लिए भी नहीं जो वचन को बांटने वाला है। कितनी बार प्रभु मैं बिना प्रार्थना के मीटिंग में बैठ जाता हूँ। उस पर दया कर प्रभु, और आप मेरे अंदर ये बात डालें, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करूं, प्रतिज्ञाओं को क्लेम करूं जो वचन लेके आएगा। मैं अपने लिए प्रार्थना करूं हर बार कि प्रभु आप मुझसे बात करें। प्रभु, मैं इस बात को हल्का न लूं, और इससे वास्तविक मीटिंग्स में उभारपन आएगा मेरे प्रभु। ना केवल ये, बल्कि दिन भर मैं बहुत बार आपके अधीन नहीं रहता। मैं अपनी सेल्फिश अभिलाषाओं के अधीन रहता हूँ, संसारिक चीजों के अधीन रहता हूँ। बहुत बार जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करता, अपनी मन मर्जी करता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पाप है प्रभु, चाहे वो टाइम वेस्ट करना हो, चाहे वो प्रभु आप कुछ कहें और मैं कुछ और कर रहा हूँ। ये बात केवल आप मेरे अंदर से निकाल सकते हैं प्रभु। मैं तो अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं जैसा आपके सामने आया हूँ, मुझे अधीनता का जीवन दे प्रभु। मेरे भाई बहनों को अधीनता का जीवन दे। वहीं पर वास्तविक आशीष है, वास्तविक खुशी है, सच्चा आनंद आपके अधीन रहने में ही है।
हे प्रभु, आज का दिन मैं आपकी अधीनता में नहीं जी सकता। आप पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो बात डालें, मैं आपके अधीन जीऊं, मैं रिपीटेडली प्रार्थना धन्यवाद के साथ दिन निकाल सकूं, और शाम की बाइबल स्टडी में प्रभु तैयारी के साथ हम जाएं। प्रभु आप एक नया काम करें, आप आने वाले संडे के लिए हमारे भाई वैश्विक को, आदित्य को, और जो भाई आईआईटी में होगा उन्हें अपनी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करें। भाई का नागपुर जाना आपकी इच्छा में हो प्रभु, वास्तविक आशीष आए। हमारे बीच में जो बीमार हैं उनको आप छूकर चंगाई दें, विशेषकर हमारी बहन रमेश्वरी पर दया करें प्रभु, अशोक भाई पर दया कर, और जितने लोग हैं उन पर रहम कर। फिलिप भाई गया है प्रभु, जाएगा प्रभु, वेलोर आप हमारे भाई और सिस्टर को पूरी चंगाई दें। सारे समय के लिए आपका धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। माफ कीजिएगा थोड़ा लंबा हो गया, आप कृपया ध्यान रखिए शाम को बाइबल स्टडी है 7 से 8 बजे, और हम मरकुस 4 अध्याय 1 से 9 आयत को हम देखेंगे। आप सबको जय मसीह की। भाई दूसरी अनाउंसमेंट छोटा कर दीजिए भाई। सा अनाउंसमेंट है, 10 से 14 जून तक बच्चों का VBS का प्रोग्राम चलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और बच्चों को भी, मोहल्ले के, पड़ोस के और मंडलियों के बच्चों को भी आप फोन करके बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी, ये परमेश्वर का कार्य है, और बच्चों का रजिस्ट्रेशन से भी कराएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े VBS के प्रोग्राम के लिए। आप सब लोग रोज प्रार्थना करें। धन्यवाद आपके लिए। आप सबको जय मसीह, सबको जय इस शनिवार को सिस्टर्स मीटिंग भी है, जय मसीह की। सैटरडे को सिस्टर्स मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। सैटरडे को शाम को 5 बजे बहनों की सभा है। जरूर।